एसीपी, गन नीचे कर, गन नीचे कर, छोड़ से। एसीपी गन नीचे कर, नहीं तो इस परी को भेज दूंगा परियों की दुनिया में। अरे गन नीचे कर लिया तू? इतने जल्दी मान गए ना मेरी बात को? तू पागल है क्या? तेरे एक हाथ में कांच की बोतल है, दूसरे हाथ में बच्ची है। तूने मुझे बोला गन नीचे करने के लिए, तो कर लिया यार। कैसी बात करता है रे तू? अरे एक तो बात मानो और फिर भी। अब कर तुझे जो करना है। ए एसीपी, ज्यादा शांतपत्ति मत करा। तू जानता नहीं है मेरे को? तेरे को कौन नहीं जानता रे? आखा गढ़चिरौली जानता है ना कि भाऊ विठल दामोदर माने कौन है। अरे मैं भी तेरे को जानता है। ए ए बेटा रो मत, चुप चुप। ए क्या है एसीपी, काय को डराते है बच्ची को? नहीं नहीं बेटा, मेरे को कुछ नहीं करने वाले। ये खाके लोग ऐसे खड़ा है, ये एसीपी तो बस बोलते रहता है। क्या है ना बेटा, एक बार मैं जंगल तक पहुंच गया ना, उसके बाद मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता। एकदम करेक्ट बोला यार। तेरे को कौन पकड़ेगा यार, और क्यों पकड़ेगा? तू फ्री है, वो बोले तो आजाद है। ये जाना रे बाबा, चल ले। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, बस। ए तू जा भी, निकल। क्या टाइम पास कर रहे रे? दिख रहा है ना, खाली बैठा हूं। क्या टाइम पास करूं, इसीलिए गिनती गिन रहा हूं रे। एक गिन, दो, तीन। आप ठीक हो? कुछ नहीं होगा, ठीक है। सर, सर, सर प्लीज छोड़ दीजिए। सर आप बीच में मत आइए, इसको छोड़ने वाला नहीं मैं। उससे तेरे आवारा बेटा जगताप से गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इसकी मौत आज मेरे हाथ में आई। सर, सर आप ही ने मुझे सिखाया है, हमारा काम कानून की हिफाजत है, कानून को हाथ में लेना नहीं। प्लीज सर छोड़ दीजिए इसे, प्लीज छोड़ दीजिए। ए अरेस्ट करा। सड़ेगा तू जेल में उम्र भर। डर मत, अकेला नहीं सड़ेगा, तेरे साथ साथ तेरा बेटा है ना जगताप, वो भी वही आएगा बहुत जल्द। ए जोशी, तुम लोग सड़ाएगा मुझे उम्र भर जेल में? 2 घंटे में बाहर आएगा। कितना? 2 घंटे में बाहर आएगा, और आने के बाद पहला काम क्या करेगा मालूम है? तुम दोनों को साला भेज देगा ऊपर। मर जाओ उधर ही जाके तुम। सर 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 प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज रिलैक्स, प्लीज। ए लेकर जाओ, चलो छोड़ रहे, प्लीज। सर आई ओके, आप ठीक हो? मानना पड़ेगा सर, विट्ठल को उसी की चाल से उसी को मात दी, नहीं तो वो सही को मैं अकेला ही जानता हूं। कैसे मैंने सही को रोका यहां पर आने के लिए, नहीं तो वो तो निकल चुकी थी बदहवासी हालत में परी को बचाने के लिए बगैर अपनी जान की परवाह की। और सर एक बात तो मुझे भी माननी पड़ी, आपकी बेटी का दिल बहुत अच्छा। खुद पर कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए लेकिन सबसे पहले दूसरों का सोचती। सही, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझ लो। उस विट्ठल ने जो तरीका मुझ पर आजमाया था, अब वही तरीका मैं उस पर आजमाऊंगा। लेकिन परी को कुछ नहीं होगा, मैं उसे वापस लाऊंगा।
जितनी विराट जबान सी जबान है। मोहित, सम्राट की बैग खोल। जैसा था ना अपना सम्राट इस यूनिफॉर्म में। अभी भी ऐसा लगता है कि अचानक से दरवाजा खुलेगा और चिल्लाते हुए आके बोलेगा, ए शिवा कुटे आए, आ गया तेरा जीवा। ओबी काका मस्त ना? अरे अश्वनी काकी बहुत भूख लगी है, अरे जल्दी खाने को दो ना, नौकर भूख लगी है। करता है, संभालिए खुद को। क्या संभालू सोनाली, तो क्या संभालू ये सब देख के। सम्राट भूमि, बस संभाल अपने आप को। हम सबको हिम्मत रखनी होगी। माना कि हमारा सम्राट कहीं खो गया है, लेकिन उसके लौट के आने की उम्मीद हमने खोई नहीं है। अभी आपको तो शायद पता भी नहीं होगा कि आपकी ये फोटो सम्राट दादा के पास थी। नाइस फोटोग्राफ्स, कितनी प्यारी स्माइल है आपकी, फिर इसे छिपा के क्यों रखी है? पता तो तब होता जब सम्राट दादा को इन्होंने अपना पति समझा होता। सिर्फ एक रात के लिए थे सम्राट दादा यहाँ, लेकिन उस रात भी पत्र लेकर भाभी ने उनसे अपने पति से बात करने के बजाय किसी और से बात करना ज्यादा जरूरी समझा। रिश्मा तू चुप, बस बोलने दीजिए आई। और मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही जो आप लोग नहीं जानते हैं। देखा था ना आपने कैसे ये घर छोड़कर जा रही थी।
अगर सम्राट दादा की इनको जरा सी भी फिकर, जरा सी भी परवाह होती तो क्या ये करती है ऐसा? पूछिए इनसे। करिश्मा, वक्त और मौका देखकर तो बात करो प्लीज। लेकिन जो वक्त देख के मौके का फायदा उठाए उसका क्या? आप तो सब जानते हैं, फिर भी आप मुझे चुप रहने के लिए बोल रहे हैं। करिश्मा, पत्रलेखा तुम्हारी बड़ी भाभी है, बड़ों से बात करने का सलीका सीख लो। आणि जास्त बड़बड़ केलीस तो घर से बाहर जाने का दरवाजा किधर है पता है तुझे? क्यों वहिनी, क्यों? छोटे अगर सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, किसी का असली चेहरा सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो बड़ों ने उनकी पीठ थपथपानी चाहिए या उन्हें सजा देने की धमकी देनी चाहिए, बताइए? सजा देनी चाहिए तो दीजिए ना, सजा दीजिए, सजा जरूर दीजिए, पर उसे दीजिए जिसकी गलती है, उसे सजा दीजिए ना जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, दीजिए ना उसे सजा जिसकी वजह से हमारा सम्राट, दीजिए उसे सजा। शताई भी है और एसीपी सर भी। थैंक गॉड परी, तू ठीक है। आई एम सो सॉरी परी, मेरी वजह से उन लोगों ने तुझे किडनैप किया। और नहीं सही दीदी, इसमें आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? पता है दीदी, आपके आबा ने उस बैडमैन को बहुत मारा। हीरो है आपके आबा। लेकिन एसीपी सर सुपर हीरो। बालकराम कैसा है? बालकराम ठीक है बेटा। आबा, हमने परी के साथ साथ बालकराम के घर में भी सिक्योरिटी लगाई है, तू फिक्र मत कर। लेकिन आपकी फिक्र तो होगी ना आबा। दादा की फिक्र तुम मुझ पे छोड़। सही, तू उधर है फिर भी तेरे सारे नियम कायदे मनवाती हूँ मैं दादा से। सर, सिक्योरिटी की कुछ बात करनी थी। हाँ सर। आपकी सुनते भी है आबा। अकेली थोड़ी हो, विराट सर भी तो है। सही, तुझे पता है उस दिन विराट सर ने डांटा था जैसे तू डांटती है, तब जाके कमल दादा ने खाना खाया था। मैं आपसे ये कह रहा था कि आप भी अपना ख्याल रखना, ओके? मैं बाद में फोन करती हूँ। पत्रलेखा, ठीक हो? तुम्हारे ऊपर अभी क्या गुजर रही है ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। पति के बिना पत्नी की जिंदगी कैसी हो जाती है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। बट यू डोंट लूज होप, तुमने सुना ना ऑफिसर्स ने क्या कहा? सम्राट की तलाश अभी भी जारी है। मुझे तो पूरा यकीन है, 100% यकीन, हमारा सम्राट वापस आ जाएगा। अच्छा एक बात सुनो, यूं अकेले कमरे में ऐसे उदास सी मायूस होके बैठी हो, नीचे आओ, पूरी फैमिली के साथ बैठो, सबके साथ टाइम स्पेंड करो, सबसे बातचीत करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ।
पत्र लेखा लाओ। अभी तुम्हारी शादी को कुछ ही दिन तो हुए हैं, रिश्ते बनने में टाइम लगता है। और तुम देखना, जब तुम फैमिली के साथ उठोगी बैठोगी ना, सबसे बातचीत करोगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। पत्र लेखा, शिवानी तुम? वो एक्चुअली मैंने सोचा पत्र लेखा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूं और इसका भी मन हल्का हो जाएगा। अच्छा लगा कि पत्र लेखा को खुश करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए तुम यहाँ आई। जिंदगी में पहली बार तुम्हारे मुंह से अक्लमंदी की बात सुनी है। वहीनी, मैं जो कुछ करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ, दूसरे की मर्जी से नहीं। एनीवेज, यू कैरी ऑन। पत्र लेखा बेटा, तुम इस सब पर ध्यान मत देना, बस एक बात याद रखना, कभी बड़ों को पलट कर जवाब मत देना, ये इस घर के संस्कार नहीं है। यही तो वजह है कि मैं सबके ताने और अपनी बेइज्जती चुपचाप सहन कर रही हूं। आ जाओ। मस्त मस्त, छान वाटलं। खुशी हुई ये देखकर कि तुम घर के कामकाज में दिलचस्पी ले रही हो। घर के कामकाज में बिजी रहोगी तो दिमाग में इधर उधर के ख्याल नहीं आएंगे। पत्र लिखा, तुम जिस मुश्किल घड़ी से गुजर रही हो मैं समझ सकती हूं। बिना पति के औरत ऐसे होती है जैसे बिना सांस के शरीर, और मुझसे बेहतर ये कौन जान सकता है। इतने बरसों से ये शरीर बिना सांस के जो जिंदा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। खंडोबा हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने देंगे। देखना, सम्राट बहुत जल्द वापस आ जाएगा। बड़ी मामी, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा जिस तरह से मुझसे इस घर में बात की जाती है, जिस तरह से मुझे ट्रीट किया जाता है। लेकिन मैं आपसे किसी की शिकायत करने नहीं आई हूं, मैं तो बस आपको थैंक्स कहना चाहती थी। आपने मुझ पे अपना विश्वास दिखाया, मेरे बारे में आपने कभी भी कुछ गलत नहीं सोचा और ना ही आपने कभी कुछ बुरा कहा, इसलिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहती थी। जब मैं इस घर में पहली बार आई थी, संगीत पे मैंने आपके पैर इसलिए छुए थे क्योंकि आप इस घर की सबसे बड़ी हैं। लेकिन आज मैं आपके पैर इसलिए छूना चाहती हूँ क्योंकि आप सिर्फ इस घर की बड़ी ही नहीं, आप दिल की भी बहुत बड़ी हैं। अखंड सौभाग्यवती। थैंक यू बड़ी मामी, थैंक यू सो मच मेरा सहारा बनने के लिए। मैं तो हमेशा तुम्हारा सहारा बन के रहूंगी। लेकिन पत्र लिखा, अश्विनी, सोनाली, करिश्मा, ये जो कुछ भी बोलती रहती है, ये सब मन घड़त है या इसमें कोई सच्चाई भी है? विराट और तुम्हारे बीच कभी कुछ हुआ है क्या?